रास्ता के दिक्कत छे, रास्ता चाही, बाल बच्चा पढ़े मधेपुरा के सिंहेश्वर में रास्ता विवाद को लेकर कभी भी हो सकता है दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा चौक स्थित वार्ड संख्या 3 में रास्ता विवाद को लेकर कभी भी हो सकता है दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दरअसल यहां 30 वर्षों से चली आ रही रास्ता विवाद को लेकर स्थानीय सैकड़ों लोग हैं खासे परेशान। आने जाने का नहीं है कोई आम रास्ता, स्कूली बच्चों को भी हो रही है स्कूल जाने में भारी परेशानी। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार मोहल्ले के पीड़ित लोगों ने अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया है। वहीं लोगों के आवेदन पर मधेपुरा के तत्कालीन SDM वृंदा लाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रास्ते पर बने घर को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने का सख्त आदेश दिया था, लेकिन SDM के आदेश का आज तक मजाक उड़ाया जा रहा है। आरोपी के दबाव में स्थानीय अधिकारी भी चुप्पी साधे हैं। वर्षों से कैद में है मोहल्ले के सैकड़ों लोग, इस दिशा में नहीं हो पा रही है कोई कार्रवाई। आलम यह है कि स्थानीय मोहल्लों के बच्चों को स्कूल भी आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हद की इंतहा तो ये है कि अगर इस मोहल्ले में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो घर तक नहीं पहुंच सकती है कोई एम्बुलेंस। बता दें कि मामला जिले के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत दुर्गा चौक स्थित वार्ड संख्या 3 का है, जहां सड़क को अतिक्रमित कर आरोपी पवन यादव और उमेश यादव नामक व्यक्ति ने ही अपना घर बना दिया है, जिसे मात्र सकरी गली के सहारे यातायात को मजबूर है स्थानीय लोग। और वहीं जिले अधिकारी अपना नाकामी को छुपाने हेतु इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। रास्ता के दिक्कत छे, रास्ता चाहिए, बाल बच्चा को पढ़े कितने दिन से रास्ता अवरुद्ध है? 3 साल 4 साल। समस्या यही है जो 4 साल से रास्ता ब्रेक है, 4 साल से हमको बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होता है। उसके बाद कोई डिलीवरी पेशेंट रहे या कोई मर जाए, कोई अर्थी तक नहीं निकल सकता है, पेशेंट को कैसे ले जाएंगे? ये सरकारी रास्ता है क्या? सरकार, ये तो सरकार सरकारी रास्ता है, जमींदार दिया है तो सरकारी रास्ता है। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा सिंह। 2007 से ही यह रास्ता अवरुद्ध है और यह रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बहुत लोग, पूरे अधिकारी लोग आए, SDO आए, DM आए, CO आए, कोई कुछ नहीं कर पाए। इस मामले में क्या जो SDM है उनका आदेश भी पारित हुआ था? बिल्कुल पारित हुआ है, वो उनका चिन्ह भी लगा हुआ है, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। यहाँ 50-100 घर है ना, सबों के लिए दिक्कत है। ये तो गाड़ी घोड़ा नहीं चलने का कोई रास्ता है, आदमी कभी पास होने का वहाँ दिखते है, बहुत सा दिक्कत है। इसके लिए अधिकारी के पास गए कभी? जी, अधिकारी से कभी मिले? अधिकारी के पास सब जगह गए हैं, यहाँ पर सब अधिकारी आए हैं, कुछ लोग लिख करके दिए हैं, कोर्ट से जजमेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मात्र एक घर के चलते यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक सड़क बना हुआ है और यहाँ सिर्फ मुंह पर जो है सो बंद है।